क्या कहती है जयपुर की पिच रिपोर्ट? क्या संजू शतक लगाएंगे या बोल्ट निकालेंगे सबसे ज्यादा विकेट? जानिए क्या कहती है जयपुर की पिच। पंत तलाश रहे पहली जीत, सैमसन तैयार कर रहे रजवाड़े वाली फौज, क्या जयपुर जाकर जीत पाएगी दिल्ली? 40 ओवर के मुकाबले पर गहराया सस्पेंस, क्या सीजन में पहली बार 10-10 ओवर का होगा मैच? 28 मार्च की शाम 7:30 बजे जयपुर की पिच पर राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। राजस्थान रॉयल्स का जोश जहां लखनऊ को हराने के बाद आई है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी पंजाब के हाथों मिली हार से हताश दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दोनों टीमों के बीच में खेले जाने वाले मुकाबले में किसकी जीत आसान होगी और किसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये समझना बेहद जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले नजर डालते हैं पिच रिपोर्ट पर, फिर दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों से लेकर प्लेइंग 11 तक की बात करते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह के स्टेडियम की बात करें तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर पिच रिपोर्ट। यहां की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है, लेकिन नई गेंद से गेंदबाजों को भी शुरू में मदद मिलने के आसार हैं। मानसिंह स्टेडियम में कई बार हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलता है, क्योंकि एक बार गेंद हल्की पुरानी होते ही बल्लेबाजों के लिए शॉट लगाना काफी आसान हो जाता है। इस पिच पर टॉस की भूमिका काफी अहम होती है। इस मैदान पर अब तक कुल 52 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से 34 बार दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को सिर्फ 18 बार सफलता हाथ लगी है। ऐसे में जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग का फैसला कर सकती है। अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनती है, तो जाहिर सी बात होगी कि संजू सैमसन के सुरमा खिलाड़ी विरोधी टीम को अपने घर में कम स्कोर पर रोकने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े यानी कि दोनों के बीच खेले गए अब तक के मुकाबलों के आंकड़े देखें, तो फर्क साफ समझ में आता है। अब तक कुल 27 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने हुई है, जिससे 14 में RR को जीत मिली है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने 13 में जीत हासिल की है। IPL 2023 में इकलौती भिड़ंत में RR को जीत मिली थी। DC ने इस टीम के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर 207 बनाया है, जबकि RR का सर्वाधिक स्कोर 222 रन है। यानी आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अगर दोनों टीमों के धुरंधरों ने शानदार खेला तो फिर रनों का अंबार लग सकता है। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए दिक्कत की बात यह है कि जिस पिच पर उनका ये मुकाबला होना है वहां उसे अब तक 6 में से सिर्फ 2 मैचों में जीत मिली है। अगर राजस्थान ने 200 के पार का टारगेट दे दिया तो फिर उसे चेस करना पंत की टीम के लिए इस मैदान पर मुश्किल हो सकता है। हालांकि इस टीम के खिलाफ पंत का अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है और वो लंबे वक्त के बाद वापस लौटे भी हैं, तो हर फैंस यही चाहेगा कि पंत यादगार पारी खेलें। पहले मुकाबले में उन्होंने कोई ऐसी यादगार पारी तो नहीं खेली है, पर फैंस यही देखकर गदगद उठे हैं कि उनका हीरो वापस आ चुका है। रनों का अंबार भी लगाएंगे और विकेट के पीछे से गेम भी बदलेगा। हालांकि ये तभी हो पाएगा जब इंद्रदेव मैच में कोई खलल न डाले। मौसम विभाग का अनुमान कहता है कि रनों की बारिश से पहले फैंस को रियल बारिश देखने को मिल सकती है। 28 मार्च को जयपुर में गरज के साथ छींटे पड़ने की आशंका है। इसके अलावा बारिश का भी अनुमान जताया गया है। दिन के समय धूप खिली रहेगी, लेकिन शाम ढलने के बाद मौसम करवट बदल सकता है। चूंकि मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होना है, इसीलिए इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि थोड़ी बहुत बारिश हुई तो मैच 10-10 ओवर का भी कराया जा सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की बात करें तो पंत की टीम में बदलाव की गुंजाइश नजर आती है। दिल्ली कैपिटल्स के तेज तर्रार साउथ अफ्रीकी गेंदबाज एंड्रिक नारकिया भारत आ चुके हैं। ऐसे में राजस्थान के खिलाफ उनका खेलना लाजमी है। वहीं चोटिल ईशान शर्मा की जगह मुकेश कुमार भी खेल सकते हैं। रिकी भुई को बाहर कर टीम मैनेजमेंट पृथ्वी शॉ को प्लेइंग 11 का हिस्सा बना सकता है। दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11 पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिचेल मार्च, शे होप, ऋषभ पंत कप्तान, अक्षर पटेल, सुमित कुमार, कुलदीप यादव, खलील अहमद, एंड्रिक नारकिया और मुकेश कुमार। वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो संजू सैमसन पुरानी ही टीम को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि उस टीम ने पिछले मैच में उन्हें जीत दिलाई है। राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, रियान पराग, शिमरोन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, संदीप शर्मा, यजवेंद्र चहल और नांद्रे बर्गर। चूंकि दोनों टीमों के कप्तान एक विकेट कीपर बैट्समैन हैं और पंत ने पहले ही मैच में जीते शर्मा को स्टंप कर ये बता दिया कि अभी भी उतना ही एक्टिव हूं, तो फिर संजू के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्योंकि दोनों के फैंस के बीच में अक्सर बहस होती रहती है कि हमारे फेवरेट स्टार को टीम में जगह मिलनी चाहिए, तो ये IPL मैच भी ये समझने के लिए बेस्ट होगा कि किसमें कितना दम है। अगर पिछले मुकाबले की बात करें तो पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते हुए पंत ने 2 चौकों की मदद से 13 गेंदों में 18 रनों की शानदार पारी खेली, तो वहीं संजू सैमसन का प्रदर्शन लखनऊ के खिलाफ बेहद शानदार रहा। लखनऊ के खिलाफ मैच में संजू ने नाबाद 82 रन बनाए थे। संजू की इस अर्धशतक की पारी की मदद से ही राजस्थान ने 20 ओवर में 193 रन का स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में लखनऊ की टीम 173 रन ही बना सकी थी और राजस्थान को शानदार जीत मिली। अब देखने वाली बात ये होगी कि संजू सैमसन की टीम अपनी जीत का ये इतिहास दोहरा पाती है कि नहीं, क्योंकि
क्योंकि कई फैंस ये भी कहते हैं कि संजू सैमसन सिर्फ पहले मैच में ही शानदार खेल पाते हैं, उसके बाद उनका बल्ला उनसे रूठ जाता है। वो बल्ले को बड़े ही मन से उठाते हैं कि आज जाकर चौका छक्का लगाऊंगा, पर पिच पर जाते ही कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं कि कम स्कोर में ही पवेलियन लौटना पड़ जाता है। पंत के फैंस तो ये तक कहते हैं कि संजू सैमसन अगर टीम इंडिया में नहीं टिक पाए तो उसकी वजह उनकी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं, बल्कि इसकी वजह उनका प्रदर्शन है। जैसे कुछ लोग दिन रात पढ़ते हैं, स्कूल की परीक्षा में अच्छा नंबर लाते हैं, टीचर भी उनकी वाहवाही करते हैं, पर बोर्ड परीक्षा में जाते ही उनकी कलम रुक जाती है, मन मुताबिक नंबर नहीं आते हैं तो वो कहते हैं कि बोर्ड वालों ने नंबर ही नहीं दिया। बल्कि सच्चाई ये होती है कि बोर्ड परीक्षा के दबाव में वो लिख नहीं पाते हैं और नंबर कम आते हैं। पंत हो या फिर केएल राहुल या फिर ईशान किशन, उनके फैंस तो यही कहते हैं कि संजू सैमसन के साथ में यही हो रहा है। हालांकि संजू के फैंस इसे नहीं मानते, बल्कि उनका दावा है कि संजू सैमसन को पर्याप्त मौके नहीं मिले। अगर उन्हें भी केएल राहुल और ईशान किशन की तरह खराब परफॉर्म करने के बाद भी लगातार मौके मिल रहे होते तो फिर उनका भी परफॉर्म सुधर सकता था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कॉमेंट कर बताएं।